ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान की, जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी की धन्यवाद रैली होने जा रही है। जी हां, दोपहर 12:30 बजे रामलीला मैदान पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। दोपहर 12:48 पर फिर पीएम नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। इसके मद्देनजर वहां पर बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने के लिए तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई दिनों से अपनी तैयारियां की हुई थी, और आज उन्हीं तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए वहां पर काफ़ी उत्साहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए, ढोल नगाड़ों के साथ, ढोलबाजों के साथ वहां पर। ये देखिए किस तरह से स्वागत की तैयारियां है बीजेपी में, इस तरह से खासा जोश देखा जा रहा है। धन्यवाद मोदी जी के नाम से ये रैली है। दरअसल ये धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी को इस बात को लेकर दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले महीने जिस तरह से मोदी सरकार ने संसद में अवैध कॉलोनियों से जुड़ा हुआ प्रस्ताव वो विधेयक पारित करवाया था, उसके बाद 1734 दिल्ली की ऐसी अवैध कॉलोनियां जहां रहने वाले 40 लाख से भी ज्यादा लोगों को उनका उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया था, ऐसे में कहा जा रहा है कि इन तमाम लोगों की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के मकसद के साथ ये रैली। और इस रैली में एक और मकसद बीजेपी पूरा करना चाहेगी, और वो है दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में बिगुल फूकने को लेकर। जी हाँ, आज से कहा जा रहा है कि इस रैली में पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका के साथ ही दिल्ली बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ जाएगी फरवरी में होने वाले चुनाव को लेकर, सड़कों पर उतर आएगी, और इस तरह से रामलीला मैदान में आज पीएम नरेंद्र मोदी का रिश्ते नजर आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी को दरअसल धन्यवाद देने के लिए वहां 2 लाख लोगों को एकत्रित करने की बात कही गई है। बाकायदा इस बात की जिम्मेदारी हर एक मंडल अध्यक्ष को दी गई थी कि अपने अपने मंडलों से कम 500 लोगों की गैदरिंग दिल्ली के रामलीला मैदान में लाने का वो इस बात को लेकर वो सुनिश्चित करे कि लोग यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँच पाए, और इस तरह से धन्यवाद रैली को सफल बनाया जाए। जानकारी के मुताबिक 12:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इस रैली में सम्मिलित होने के लिए, और 12:48 पर यानी कि लगभग 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर फिर वो मंच पर आ जाएंगे, वहां पर उपस्थित तमाम लोगों को संबोधित करते नजर आएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दिल्ली के मौजूदा हालात पर भी क्या पीएम नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं। सीएए को लेकर जिस तरह से देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या उस पर भी वो अपना मत रखेंगे, और दिल्ली के जामिया इलाका हो, दिल्ली का जामा मस्जिद इलाका हो, जिस तरह से वहां पर हिंसक प्रदर्शनों को अंजाम दिया गया, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के लिए टेढ़ी खीर ये साबित हुई उन प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करना, ऐसे में आज जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के रामलीला मैदान की काफ़ी चाक चौबंद की गई होगी, क्योंकि यहां पर देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी, और ऐसे में कोई भी उत्पात इतनी बड़ी संख्या में जब लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे ना मच जाए, किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैल जाए, किसी भी तरह का कोई हंगामा ना हो जाए, इसके मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी रहेगी। ऐश्वर्य शर्मा मेरे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है। ऐश्वर्य, फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की हलचल है आपके सामने? बिल्कुल, ढोल नगाड़े बज रहे हैं वहां पर, और इतनी तेज बज रहे हैं, उनकी आवाज इतनी तेज है कि हमारी संवाददाता की आवाज भी उसमें दबी हुई नजर आ रही है। दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्पष्ट तौर पर उनकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दिल्ली में धन्यवाद रैली से जुड़ी हुई। जी हाँ, देखिए पहली तस्वीर में किस तरह से तैयारियां वहां पर की गई है। धन्यवाद मोदी जी का इतना बड़ा पोस्टर एक शख्स ने अपने ऊपर लगाया हुआ है, और इस तरह से वो काफ़ी खुश नजर आ रहा है, उत्साहित नजर आ रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता काफ़ी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, और सारी तैयारियां वहां पर की गई है दिल्ली के रामलीला मैदान में इस कार्यक्रम को, इस रैली को सफल बनाने को लेकर। चलिए इसी के साथ आज टॉप एजेंडा में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।